इजाजत है दिनों की शुरू की जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين بشمار خاندان سيدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات दुआ है मेरे नजीम मोहसिनीन की ये पुरखलूस बिछाई हुई सफ़ेदा करीमाए आले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने साहिबाने ईमान इस सफ़ेदा पे मौजूद हैं या जो मजीद आने का इरादा रखते हैं या जो किसी मजबूरी से आज नहीं आ सके, औला सब को कदम कदम पे आजर अज़ीम अता फरमाए। जितनी दुआएं सकीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें कि मजलिस मजीद रश के जन्नत हो जाए। पहला पहला जुमला आज की इस मजलिस के हवाले से, जुमला नहीं है अंदर की तपिश है, माँ की गोद से मिला हुआ दर से विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत है। तस्बीह समझ के पेश कर रहा हूँ, यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हमद है उस मालिकुल हमद के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर जमाने को बता दिया मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा जहां अली मिलेगा। इमाम हुसैन आपको सलामत है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें ही सारे विलायत में रखे। बस जल्दी जल्दी ज़रा जगह ले लें अपनी, वक्त थोड़ा है, वक्त ज़्यादा है। मुसलसल तीन दिन से मेरे भाइयों का हुक्म लग रहा है कि मौला हसन सुनाओ, तो रोज़ टालने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि यार मुहर्रम की कोई चीज़ सुनो, मैंने 10 मजलसें आपके लिए नहीं तैयार की हैं, तो नई बात सुनो नई बात सुनो, लेकिन पुरजोर उनका हुक्म है। और फिर आज भाई असगर ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी, तो चलो हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो अब मैं आपके हुक्म की तामील करने जा रहा हूँ। किसे कहते हैं सरकारे हसन, बेबदन का हुस्न बदन लेकर ज़मीन पे आ जाए तो उसे हसन कहते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत है। हाँ, बेबदन का इमाम हुसैन आपको सलामत है। बेबदन का हुस्न मेहरबानी भाईजान बदन लेकर जमीन पे आ जाए तो उसे हसन कहते हैं। बंदे कहते हैं हमारी तरह दुनिया में आते हैं, एक दो सवाल भी पहुँचे हैं, हमारी तरह दुनिया में आते हैं। आवाज़ सब तक आ रही है, ये शोर आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? इमाम हुसैन का वास्ता ख़वातीन को कि भई आप अपना शोर बच्चों का बंद कर रहे, इस तरह मज़ा नहीं है। आपको बीबी का वास्ता, भई आप आई हैं मजलिस में तो शोर किस बात का? जल्दी आ तो तेरे सुनन दी ही गल्ला आज। बेबदन का हुस्न बदन लेकर जमीन पे आए तो उसे हसन कहते हैं। एक जुमला और कह दूं आपकी तमाज़त ईमानी के लिए,
कौन हसन जिसके दस्तरखान से बचे हुए जर्रात अंबिया के कशकोल भरे, उस सखी को हसन कहते हैं। तो सके समझा मेरे मौला हसन होता कोई नहीं, इमाम हुसैन तो वस्ता रहे, इमाम हुसैन तो मैं वस्ता रहे, जिसके दस्तरखान के बचे हुए जर्रात अंबिया के कशकोल भर दे, उस सखी को हसन कहते हैं। चलो चलते चलते एक इशारा कर जाऊं, सरकार हसन का दस्तरखान लगाया करो। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मटन कढ़ाई होगी तो फिर दस्तरखान होगा, फिरनी होगी तो फिर दस्तरखान होगा, रायता सलाद साथ में होंगे तो फिर दस्तरखान होगा। नहीं, तेरी हैसियत अगर पानी के गिलास की है तो पानी का गिलास रख, मंसूब हसन से कर दे, वो नीयत देखता है हैसियत नहीं देखता। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन को मैं सलामत रखे। और तुम्हें क्या पता कि इस दस्तरखान से क्या क्या मिलता है, बच्चे मेरी तरफ देख, तुम्हें क्या पता भैया इस दस्तरखान से क्या क्या मिलता है? सिर्फ खाने वाली रोटी मिलती है। बोलो ये जो खाते हो तो लंगर, सिर्फ दस्तरखान हसन से ये मिलता है? नहीं, दस्तरखान हसन से हर किस्म का रिस्क मिलता है। शाबाश शाबाश, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। दस्तरखाने हसन से हर किस्म का रिस्क मिलता है। मसलन यूसुफ को हुस्न मिला तो इसी दस्तरखान से। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन को मैं सलामत रखे। मूसा को कलीमुल्लाही का ताज मिला तो इसी दस्तरखान से। ईसा ने परिंदा खल्क करना सीखा तो इसी दस्तरखान से। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, चलो बोल पड़े हो, ताज़ा दम भी हो, साथ भी दे रहे हो, सुनने पर आमादा भी हो, तो एक फिक्र और सुन लो। बंदे कहते हैं हमारी तरह दुनिया में आते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। चाचा इकबाल, ये कम अज़ कम वैसे आते हैं जैसे कल्बे मोहम्मद पे कुरान आता है। इमाम हुसैन आपको सलामत। हाँ हाँ, कितनी कीमत है भाई? ये कम अज कम वैसे आते हैं जैसे कल्बे मोहम्मद पे कुरान आता है। यार ये मेहरबानी किया करें, अगर अब 7 बजे आप आके बैठ जाया करें, तो आपकी मेहरबानी है, बार बार आप रब तुड़वाते हैं तो फिर अच्छा नहीं होता। ये कम अज कम वैसे आते हैं जैसे कल्बे मोहम्मद पे कुरान आता है। पता हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं, भाईजान को भी नहीं है, आपको भी नहीं है कि ये कैसे आते हैं। हाँ, मुझे एक इशारा एक जाविया आता हुआ है, वो सुन लो, फिर जितना दिल करे जनाब बोल पढ़िएगा। 15 रमज़ान सहन तदहीर वक्त फाजिल मुसल्ला इबादत, 3 मुसल्ले सहन तदहीर में पिछे हुए थे भाईजान। अब ये कारवान आपका उठ के भी खड़ा हो जाए ना तो जुमले की कीमत नहीं है। पाकिस्तान में वो मजमा ही नहीं देखा चाचा इकबाल भाईजान, जहाँ ये फिक्रे साहिशा जी कहे और बंदे चुप करके ज़मीन पे करार ले जाएं। 3 मुसल्ले पीछे हुए थे, 1 मुसल्ले पे रसूल थे, 1 मुसल्ले पे बतूल थी, 1 मुसल्ले पे अली थे। हाय हाय हाय, हाँ 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 हाँ, फरमाइश की है तो फिर साथ दो ना मेरा। ये साथ वाले को कहे भी दाद देना सवाब होता है। इमाम हुसैन को मैं सलामत रखे। 3 मुसल्ले, 1 पे रसूल, 1 पे बतूल, 1 पे अमीर। अब पता नहीं तुम कैसे जुमला सुनोगे, रसूल सजदे में झुके, अल्लाह हसन अता कर। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन को मैं सलामत रखे। मुझे तरफ मेरी तरफ देखना, आने वाले आते रहेंगे। रसूल सजदे में झुके, अल्लाह हसन अता कर। अल्लाह करे अब सुबान वो बोले जिसका बोलना सैयदा को अच्छा लगता है। रसूल सजदे में झुके, अल्लाह हसन अता कर। बतूल सजदे में झुकी, अल्लाह हसन अता कर। अली सजदे में झुके, अल्लाह हसन अता कर। झुकने वाले 3 थे, उठे तो 4 थे। आहा आहा आहा, अल्लाह हु अकबर। झुकने वाले 3 थे। मेहरबानी सर, इमाम हुसैन को मैं सलामत रखे। झुकने वाले 3 थे,
उठे तो चाहते चार मिसरे पढ़ू अब इजाजत है मौला ने कलम की खैरात जो दी है तो पढ़ने चाहिए ना, ना पढ़ूंगा तो आप हो सकता है मेरी न्याज ही काट लो, भी शेर तो तूने पढ़ा ही नहीं है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत है क्यों भाई जान, यही तो ना करे सुना मेरे नाम है हिजाब रुख से हटा रहा है, हिजाब रुख से हटा रहा है, खुदा का जलवा दिखा रहा है। ना 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 मिसरा बाजू से पकड़ के खड़ा कर दे फिर बोलना फॉर्मेलिटी वाली दाद लेके रियायती दाद लेके हुसैन की माने जाकिर बनाए नहीं है। रियायती दाद तो मैंने अपनी आवाज जाकिरी में कभी नहीं लेना पसंद की थी, अब तो मौला का करम ही बड़ा है, कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। हिजाब रुख से हटा रहा है, खुदा का जलवा दिखा रहा है, मुकाम हैदर से जलने वालों हसन भी सजदे में आ रहा है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे जी कर हाँ। जियो यार मुकाम हैदर से जलने वालों हसन भी सजदे में आ रहा है। रसूल ने हसन को हाथों पे उठाया, अब वक्त इतना नहीं है, मजमून आपने लंबा जिम्मे लगा दिया है, वक्त मेरे हिस्से का थोड़ा देखते हैं आप। रसूल ने हाथों पे हसन को उठाया नहीं, अबू तालिब ने मोहम्मद को उठाया। आए आए फरमाइश कर दे मायूस ही कर दे हो। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को उठाया, रसूल ने हसन के पेशानी पे बोसा दिया और साथ खड़े हुए थे अली बादशाह, जो रसूल के पहलू के साथ ना अली बादशाह खड़े हुए थे। बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐ मेरे तीनों चारों भरा तीनों एक दिन तो मेरी दाद तो खा जानी है। हाँ मुझे देखिएगा, यूँ हसन हाथों पे भाई जान रसूल के और दाएं पहलू के साथ अली बादशाह खड़े हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने एक बोसा हसन को दिया, फिर सरकारे अमीर को देख के अपनी इबादत को मुकम्मल किया। हाय 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 हाय, अली को देखना इबादत है ना, इबादत है ना, कोई कंडीशन तो नहीं है। इमाम हुसैन तो मैं क्यों जाएगा जाएगा, मैं मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। हैं हसन बादशाह पे बोसा दिया, अली सरदार की ज्यारत की और रसूल मुस्कुरा के फरमाते मतलूब समर ये ही था कौसर के चमन को, मतलूब समर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत, क्या बात है यार क्या बात है यार, क्या अदब नवाज मजमा है मेरे सामने। मतलूब समर ये ही था भाईजान, नया तखय्युल नई बात अगर फहमो फरासत से टकरा जाए तो फिर दाद भी नए तरीके की होनी चाहिए ना। रसूल फरमाते हैं मतलूब समर, और चार चैलेंज कर रहा हूँ, ये तखय्युल ये बात तुमने पहले सुनी हो तो बेशक रुख बदल के बैठ जाना, ये सिर्फ इसी हकीर के कशकोल में सैयदा ने उतारी है। मतलूब समर ये ही था कौसर के चमन को, आगोश तहारत से उठाया है बदन को, लब चूम के बेटे के ये कहते हैं मोहम्मद, काबा से अली पाया है सजदे से हसन को। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, काबा से अली पाया है सजदे से, नई बात है ना, काबा से अली पाया है सजदे से हसन को। वो शाम के तख्त वाला जो था ना, वो उसने एक मीटिंग बुलाई, तवज्जो अच्छा चलो जल्दी जल्दी हवा के झोंके की तरह एक और जुमला तुम्हारे हवाले कर दूँगा। एक दिन ना मौला को शाम के दरबार में दस्तरखान पर दावत दी गई सरकार हसन, और मौला दस्तरखान पे तशरीफ़ फरमा हुए, शाम वाले के उमरा उजरा रऊसा वो सारे वो जो खुशामद करने वाले थे वो भी साथ बैठे हुए थे, तो ये शाम का रजील भी बैठा हुआ था।
तो खाना चुना गया। अल्लाह लानत करे अम्र इब्ने आस पर, ये खड़ा हो गया। भाईजान बड़ी बारीक बात करने जा रहा हूँ, तारीखी हवाले से खड़ा हो गया। आवाज़ देके कहता है हसन हमसे न टकराया कर, हम इतने अमीर हैं, हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे पास इतने ताज हैं, इतने तख्त हैं, हमसे न टकराया कर। हसन ने जेरे लब मुस्कुरा के फरमाया मन अंता, कौन है तू? मन अंता, कौन है तू? Who is you? कौन है तू? यानी कि ये उसके मुंह पे थप्पड़ था, भाई तू अपनी इमारत कितनी चकाचौंध दिखा रहा है, और हसन कह रहा है मन अंता कौन है तू, औकात क्या है तेरी, मेरे सामने क्यों बोल रहे हो, क्यों बकवास कर रहे हो? आवाज देके कहता है मैं हसन तुमसे यही पूछना चाह रहा हूं कि तू है कौन, बता तो सही तेरा नाम क्या है। सीना चौड़ा करके कहता है मैं आम्र आस का बेटा। तवज्जो, हसन फरमाते जरा ऊंची आवाज से बताना क्या कह रहे हैं, थोड़ा बुलंद आवाज से। अच्छा ये बुलंद आवाज से कौन कह रहा है, जरा ऊंची बोल। वो जो वादिये नमल में रींगती हुई चूंटी की आवाज भी सुन लेगा। आया आया आया, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हाँ पिछले मजमे से ये जुमला ऊपर हो गया है, वो चुप करके कौन सुन हो गए, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। जरा ऊंची आवाज से बताना कौन है तू। आवाज देके कहता है मैं आम्र आस का बेटा। हसन जलाल में आके कहते हैं तू उसी आस का बेटा है ना जिसने मेरे नाना को अब्तरी कथाना दिया था, जिसने पहली बार मेरे नाना को अब्तर कहा था। सीना चौड़ा करके शोखा होके कहता है हाँ हाँ हसन मैं उसी आस का बेटा हूँ, इसलिए तो कहता हूँ हमसे ना टकराया कर, मेरे बाप ने तेरे नाना को अब्तर कहा था। हसन आवाज देके कहते हैं हाँ उल्लू के पट्टे, उसी आस के लिए तो अल्लाह ने कुरान में सूरह कौसर का ताज़ियाना मारा है। अल्लाह ने कहा है इन्ना शानिया का होवल अब्तर, ऐ मोहम्मद जो तुम्हें अब्तर कहे उसकी औलाद ही नहीं है, उसकी तो औलाद नहीं तू के सास का बेटा है। आहा आहा अल्लाह हो, उसकी तो औलाद ही नहीं है। हाय 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 अल्लाह हो अल्लाह हो अकबर। कोई तबीयत जुड़ी है जनाब दी सुन, कोई हाँ ठरिया ही नहीं आउंदा है मैनू मौला हसन, ऐ मैं जान नहीं मैं छुड़ा, मैं कुछ होर तुहानू सुनाना चाहता है, बहरहाल तुहाडा हुक्म है ते सिर मत्थे ते। शाम के रजील ने फिर एक मीटिंग बुलाई, इसने अपने उमरा वज़रा को इकट्ठा किया ना, तो इसने कहा कि कोई ऐसी साजिश बताओ, ऐसी कोई तजवीज़ बताओ जिस पर अमल किया जाए, माज़ अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाश के हसन का मुकाम लोगों के दिलों से कम हो जाए, मेरा बोल बाला हो जाए, लेकिन इसे कौन बताए, जो अल्लाह का चुना हुआ होता है उसे कौन घटा सकता है। बहरहाल वक्त थोड़ा है, मैं नतीजा अर्ज करूँ, किसी ने कहा तीर अंदाजी करवा, किसी ने कहा घुड़सवारी करवा। घुड़सवारी का नाम आया तो एक बंदा दरबार में से बोल पड़ा, उसने कहा ये घुड़सवारी का मशवरा देने वालों तुम्हें शर्म नहीं आई है, उसे घुड़सवारी का चैलेंज कर रहे हो जिसके बाप के घोड़े की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है, और कितों आया वहाँ बंदे जेड़े मेरे एक एक लफ्ज की कीमत दे दे। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। बहरहाल फैसला ये हुआ कि हसन ने कभी मजमे के सामने तकरीर नहीं की, हुजूम आम के सामने मौला हसन ने कभी खिताब नहीं किया। चुनाचे हसन को शाम में दावत दो, सारे शाम वालों को इकट्ठा करो, हसन को मिंबर पे खड़ा करो, हसन मौला से कहो कि खुतबा दो माजल्ला। लेकिन चूंकि हसन ने कभी खुतबा दिया नहीं, इतना हुजूम दे के हसन बोल नहीं सकेंगे, बस हसन का मुकाम लोगों के दिलों से कम हो जाएगा, तेरा बोल बाला हो जाएगा, बस ये तजवीज़ सिलेक्ट हो गई। एक एलजी भेजा गया सरकार हसन की तरफ,
आवाज आई अस्सलाम वालेका या अबना रसूल अल्लाह। मेरे मौला ने सलाम का जवाब दिया, आवाज आई सरकार आपको शाम के दरबार में याद किया गया है। इमाम ने मुस्कुरा के तेवर बदलते हुए फरमाया, जा अपने बादशाह से कह दे फलां फलां तारीख को हसन मोहम्मद बन के तेरे दरबार में आएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हसन बादशाह वो वक्त आ गया, दरबार में पहुंचे। अच्छा, इसने ना अपने दरबारियों को कहा हुआ था कि जो ही हसन आए ना, उठ के किसी ने इस्तकबाल नहीं करना, तवज्जो, किसी ने इस्तकबाल नहीं करना। लेकिन इज़्ज़त आले मोहम्मद की कसम है, जो ही मेरे इमाम का पहला कदम दरबार में आया, सबसे पहले तख्त वाला खड़ा हुआ। हाय 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 हाय, तख्त वाला खड़ा हुआ। तख्त वाला खड़ा हुआ, मेरे इमाम को तख्त की दाई तरफ कुर्सी पेश की गई। अब ये मेरा ख्याल है डेढ़ एक मिनट तो हो गया, मुझे दाद नहीं मिली, ऐसे हो गया ना, दाद ले ले अब इनसे। ये किसे कुर्सी पेश की गई है गुजरा वाले वालों, किसे कुर्सी पेश की गई है? इरफान जी टाउन में इरफान हसन का मैं फिक्रा पेश करने जा रहा हूँ, किसे कुर्सी पेश की गई है? जो आयतुल कुर्सी का मालिक। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। आयतुल कुर्सी के मालिक को तख्त के दाई तरफ कुर्सी पेश की गई। आवाज़ लेके कहते हैं, मौला यबना रसूल अल्लाह, ये शाम वाले आपके मुंतजर हैं, आइए मिंबर पे और इनसे खिताब फरमाइए। हसन ज़ेरेला मुस्कुरा के फरमाते हैं, साजिश कोई और है तो अभी वक्त है, वरना पहचान में खतीब सलूनी अली का बेटा आएगा। ज़रूरी है गला फाड़ के बात करूँ तो फिर बात पहुँचेगी। बिस्मिल्लाह, मौला आप मिंबर पे तशरीफ़ लाएं। बातें लंबी है, मैं नतीजा अर्ज़ करूँ ताकि आपके हुक्म के मुताबिक वक्त के ऊपर बात छोड़ी जाए। हसन मिंबर पे तशरीफ़ लाए तो आवाम खचा खच दरबार में भरी हुई थी। हसन ने खिताब करना शुरू किया, अब इजाज़त है मैं सुनाऊँ मेरे मौला ने शाम के दरबार में कौन सा खुतबा दिया था, है इजाज़त? शाह जी हसन आवाज़ लेके कहते हैं, शाम वालों मेरा खिताब सुनना है तो फिर सुनो। अलहम्दुलिल्लाही लिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह हुदा कुंतु बिहाज़िल मकान हालन फहालन व उस्कुर मा आतैनाहु मिनल फज़ली ला मुहसिही यबन आकिलतुल अकबाद नहनु उजदुर रहमान व शुरकाउल कुरान व ज़ैनुल जिनान अना इब्नुल अमजाद अना रसूल ज़वात व इस्मत व फिदाद हाउला इल्तफ़ाखरून बिल उम्महात व अजदाद वल्लाहु लौ शेतु जाला इलाकन व शामन इलाकन व रजुलन इमरतन व इमरतन रजुलन कम अहद मिन अर-रजुल व क़ाला यबना अबी तुराब मन यक़दिर अला ज़ालिक व नज़र अल-इमाम अलैहि शदरन व क़ाला अमा तस्तहयीना अन तकूनी बैन अर-रिजाल। चलो इतना ही तुमने संभाल लिया तो मंजर खूबसूरत हो जाएगी। ऊपर से क्या गिर रहा है भाई, पानी आ रहा है? अच्छा, कोई मसला तो नहीं है? पढ़े अब मैं सुनाऊं कि मेरे मौला ने दरबार में उर्दू में क्या कहा था? अरबी इबारत तो तुमने सुन ली, उर्दू में सुनाऊं? हसन शाम वालों से खिताब करके फरमाते हैं, याद रखना शामियों, सभी हमद है उस खुदा के लिए जिसकी कुदरत का इजहार हमसे हुआ। और फरमाइश किया बीबी ने, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हसन फरमाते, सभी हमद है उस खुदा के लिए जिसकी कुदरत का इजहार, थक तो नहीं गए भाईजान, सभी हमद है उस खुदा के लिए जिसकी कुदरत का इजहार हमसे हुआ। हसन फरमाते, कोई आदम गरी हो या जलवा गरी, उसका सारा ही दीदार हमसे हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई आदम गरी हो या जलवा गरी, उसका सारा ही दीदार हमसे हुआ। हसन फरमाते, उसके ही नूर से हम बने नूर हैं। हाय हाय हाय, काश मेरे पास वक्त होता फिर मैं एक एक फिक्रा खोल के जनाब के हवाले करता। बहरहाल आप तर्जुमे से सिर्फ मिसरों से गुजारा करना पड़ेगा आपको। हसन फरमाते, उसके ही नूर से हम बने नूर हैं, फिर आलम ये तैयार हमसे हुआ। बाबा जी ब्याज जल्दी करे जे, जल्दी करे जे। हसन फरमाते, उसके ही नूर से हम बने नूर हैं, फिर आलम ये तैयार हमसे हुआ।
हसन फरमाते उसकी बख्शिश बनी है उसी के लिए जिसको दिल से फकत प्यार हमसे हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम सैयदा तुम्हें सलामत रखे, जिसको दिल से फकत प्यार हमसे हुआ। दौरान खिताब नशा दी, मेरे इमाम ने अवाम से निगाह हटाई, तख्त वाले को देखा। हसन फरमाते हैं इन्हें मेरे मुंह क्यों लगवाते, खुद सामने आ। हाय हाय, अवाम को मेरे मुंह क्यों लगवाते हो, खुद सामने आ, मैं बताऊं तेरी औकात क्या है, मेरा मकाम क्या है। अब ये मिश्रा है जिसके लिए मैंने जनाब को सारा खुतबा सुनाया है, अगर इसकी कीमत ना मिली तो फिर यही फजाइल का दफ्तर बंद। वैसे भी मेरा वक्त करीब लग गया, बोलोगे तो फिर एक तोहफा इतना प्यारा तुम्हें दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। हसन वासे के कहते हैं मैं विलायत का मालिक हूँ, ऐ बात चलन। मेरे भिराई थके पैने तो मैं की करा, मैं किसी तो कुछ कह नहीं सकता। मैं विलायत का मालिक हूँ ऐ पद चलन। हसन फरमाते मैं विलायत का मालिक हूँ ऐ पद चलन, मेरे आबा में हर एक की तमजीद है। ये तस्बीह हो तमजीद लफ्ज नहीं सुना हुआ है। हसन फरमाते अना इब्नुल अमजाद, मैं मजीद लोगों का बेटा हूँ। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, हसन फरमाते हैं मैं मजीद लोगों का बेटा हूँ। तो गुजरांवाले वालों, मैंने तो जिंदगी में मजीद तीन ही देखे हैं, पता कौन कौन से? एक अर्श मजीद है, दूसरा कुरान मजीद है, तीसरा अबू तालिब मजीद है। हाय हाय हाय, चौथा मजीद ला दो, मैं बात अपनी वापस ले लूंगा। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, हसन फरमाते हैं मैं विलायत का मालिक हूँ ऐ बदशलन। कीमत मिलेगी भाई जान, मिलेगी। अच्छा वैसे आपस की बात है, दोस्ताना माहौल में थक गए हो तो ठप करते हैं, कल कर लेंगे बात, क्योंकि दाद अगर उस मयार की ना हुई तो फिर मेरे मुझे तकलीफ हुई। जो तुमने जिस मयार में मुझे बिठा दिया है ना, उससे नीचे अब बात मेरे बारे में नहीं है, बस मसला मेरे साथ ये है। हसन फरमाते हैं मैं विलायत का मालिक हूँ ऐ पद चलन, मैं विलायत का मालिक हूँ ऐ पद चलन, मेरे आबा में हर एक की तमजीद है। हसन फरमाते बीबी हव्वा से बिनते मोहम्मद तलक मेरी माओ पे मगरूर तौहीद है। आहा आहा, क्या बात है यार, क्या बात है यार। अल्लाह हु अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, बीबी हव्वा से बिनते मोहम्मद तलक मेरी माओ पे मगरूर तौहीद है। अगले तीसरे आधे मिश्र की, पूरे मिश्र की भी नहीं, तीसरे आधे मिश्र की कीमत दे दो, फिर बेशक चुप रहना, मैं कब्र की दीवार तक जनाब पे मुतमईन जाऊंगा। चाचा इकबाल, अब आपने पिंडाल देखना है, कौन कौन किस बुलंदी पे जाके अली के बेटे को सलाम करता है। हसन फरमाते तू है खटिया बशर, मैं उल अमर। आहा आहा, कहां बैठे फजाइल हसन सुनने वाले। अल्लाह अकबर, कसम खुदा दी असी खुश नसीबा, सानू मौला ने इमाम ही होगा कसम खुदा दी आसे दिते ने, असी फखर ना गल्ला करने आ लोकां दे इमाम कसम खुदा दी, मैनू जे इजाजत होवे ना ते यकीन करे ओ रात खोला कि ओ शर्मिंदे हो जाने, असी ते खुश होना, असी ते नारे मारने ने, नारे हुसैन आपको सलामत रखे। बात पसंद आ गई है, हसन फरमाते तू है घटिया बशर। हाय 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 हाय, एक बात करूं, जेड़े बंदे उत्ते गुस्ले जनाबत वाजिब होता है ना, उनका काम नहीं अली ते बकवास करना। हाय 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 हाय, सच्ची गल है ना,
सच्ची गल है ना, क्यों सैयद मैं सच्चा कहे झूठा कहे। इमाम हुसैन दुमे सलाम हसन फरमाते तू है घटिया बशर, मैं हूं उल अमर। पहले हसन ने बताया मेरे बाप कौन है, फिर हसन ने बताया मेरी माँ का किरदार क्या है, अब हसन बता रहे जा रहे हैं इसकी माँ का किरदार क्या था। हसन फरमाते तू है घटिया बशर, मैं हूँ उलल अमर, मेरी कुदरत पे कुदरत की ताईद है। हसन फरमाते तेरी माँ के किरदार ऐसे हुए जिन पे गैरत के खालिक को तनकीद है। हाय 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 हाय, जो तनकीद पे बोला है उसे मैं कहता हुआ, जो तनकीद पे बोला है उसे मैं कह। राशियो राशियो भाई जान, राशियो मेरे वीर, क्यों भाई जान आप ही खुश हैं? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तेरी माओ के किरदार ऐसे हुए जिन पे गैरत के खालिक को तनकीद है, जिन पे गैरत के खालिक को तनकीद है। भाईजान कहिए अपने मजमे से संभले, हसन सुनना है फरमाइश करके सुनना है तो फिर कीमत निकाले मेरे मिंबर तक पहुंचा दे। हसन फरमा दे तू है उसका पिसर जिसने खाया जिगर। हसन फरमाते तू है उसका पिसर जिसने खाया जिगर, तू है उसका पिसर जिसने खाया जिगर, तुझ पे अल्लाह भी लानत में मसरूफ है। मिसरे की कीमत नहीं मिली पाई जान आमायू हुसैन आपको सलामत रखे। चलो कोई बात नहीं, अगर एक मिसरे पे कीमत नहीं भी दे सके तो अगले मिसरे में मैं डबल करके ले लूंगा। एक लफ्ज़ से मगलूफ, शाहजी मगलूफ क्या होता है? कुरान के खिलाफ को, यानी जिस शय में कुरान छुपा हुआ हो उसे मगलूफ कहते हैं, यानी जिस तरह कुरान खिलाफ में छुपा हुआ होता है तो उसे मगलूफ कहते हैं, यानी कुरान मगलूफ है, यानी कुरान खिलाफ में छुपा हुआ है। जो शय खिलाफ में छुप जाए उसे मगलूफ कहते हैं। मीम गैन लाओ लाम वाओ फे, खिलाफ से मगलूफ, यानी मगलूफ जो शय कुरान की तरह छुपी हुई हो उसे मगलूफ कहते हैं। अब माना मैंने बता दिया, कीमत मेरी डबल करके मिंबर तक पहुंचा दे। हसन फरमाते तू है उसका पिसर जिसने खाया जिगर, तुझ पे अल्लाह भी लानत में मसरूफ है। हसन फरमाते मेरे घर में कनीजी को आई है जो उसकी चादर में कुरान मगलूफ है। आहा, मेरे घर में कनीजी को आई है जो अल्लाह अकबर। हाँ इमाम हुसैन तुम्हें सलाम। और फिर ये शिया कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि दौरान खिताब ये वो मंजिल है। क्या हुआ है? छिपकली है? कोई नहीं, महिला सुनना आई है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। ए दौरान खिताब ये शिया कौम का बच्चा बच्चा फिर जानता है, वो जब हसन अपने फजाइल पढ़ रहे थे और फरमा रहे थे वल्लाह लाओ शेता, कोई बात नहीं भाई उठ के देख लें आप, हो गया मसला हल, ठीक है अब तो कोई मसला नहीं है, चले मुझे देखे। हसन फरमाते वल्लाह लाओ शेतो जाला इराकन शामन व शामन इराकन व रिजलन इमरतन व इमरतन रिजलन। शाबाश। हसन फरमाते मैं हसन अगर चाहूं इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, मर्द को औरत कर दूं। एक तोहफा दूं भाई जान। अच्छा दावे मेरे मौला ने किए हैं बज़ाहिर चार, गिन लो। हसन फरमाते हैं मैं इराक को शाम कर दूं, एक दावा,
शाम को इराक कर दूँ, दूसरा दावा औरत को मर्द कर दूँ, तीसरा दावा मर्द को औरत कर दूँ, चौथा दावा बज़ाहिर पूरे तो दो होते ही नज़र आते हैं, भैया सुल्लू के पट्टे को मेरे इमाम ने औरत में बदल दिया था, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना, बज़ाहिर तो दो दावे हैं ना, लेकिन खुदा की कसम जब मैंने किताबें पढ़ी हैं तो एक राज समझ में आया है, चारों दावे हसन ने एक वक्त में मुकम्मल करके दिखाए। वो पता कैसे, ये जो शामी, ये जो मर्द था ना जो हसन के सामने भौंका, ये शाम का था, इसकी बीवी इराक की थी, हसन ने इसे इराकी कर दिया, उसे शामी कर दिया। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। हाँ जी, पहले ये बात सुनी हुई है, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जियो, नहीं सुनी ना, पहली बार सुनी है। यार चाचा इकबाल, पहले एक गल सुनी आई तो दस मिनट, एक गल पहले तो नहीं ना सुनी, नहीं सुनी तो हूँ अगली गल भी तू पहले कौन नहीं सुनी। जब मेरे इमाम ने कहा ना कि मैं औरत को मर्द, मर्द को औरत, इराक को शाम, शाम को इराक कर दूं, तो नस्लन एक बदबख्त कमीना खड़ा हुआ, आवाज देके कहता है, मैं यक़दरो अला ज़ालिक यबना अबी तुराब, अबू तुराब के बेटे किसकी कुदरत है ऐसा कर सके। बस उस हरामी का ऐसा कहना था। वह नज़रल इमाम अलैहि शिज़रन, एक तिरछी निगाह हसन की उस बदबख्त पे पड़ी और हसन ने बगैर तवक्कुफ किए फरमाया, हो के औरत तो मर्दों में आई है क्यों? हाय 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 हाय, कौन कौन है जो हसन के फजाइल सुन सकता है? इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हसन फरमाते, हो के औरत तो मर्दों में आई है क्यों, हो के औरत तो मर्दों में आई है क्यों, अपनी हैयत को देख और कुछ शर्म कर। हसन फरमाते, मेरी अजमत का इनकार कर है किया, अपनी किस्मत को देख और कुछ शर्म कर। हुसैन फरमाते, तू, हसन फरमाते, तू घटाने की नियत से आई मुझे, अपनी हसरत को देख और कुछ शर्म कर। हसन फरमाते, मेरी जानिब से आके पड़ी तुझ पे जो, उसी लानत को देख और कुछ शर्म कर। हाय 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 हाय, अल्लाह हू अकबर, मेरी जानिब से आके पड़ी तुझ पे जो, उसी लानत को देख। और क्यों सैयद को दिल ठहरिया ही ने, पाजी पढ़ लेना ना मौला हसन असी, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मेरी जानिब से आके पड़ी तुझ पे जो, उसी लानत को देख और कुछ शर्म कर। गुजरा वाले वालों, इतना सुनना था, दरबार छोड़ के भागने लगी। नहीं, तुसी रह गए हो, तुसी रह गए हो, पहले खड़ा हुआ था फिर भागने लगी। जाती हुई को मेरे इमाम ने आवाज दी, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। यार हसन फरमाते, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। पीछे मुड़ी तो हसन ने फरमाया, पूरी सजा तो सुन, हाँ अभी तेरी सजा बाकी है। हांफते हुए, कांपते हुए, है मौला अभी मेरी सजा और भी है, भाई मेरी जेंस तब्दील कर दी, इतने सारे लोगों ने मुझे जलील कर दिया, मैं खुद को छुपाने के काबिल भी नहीं रही। यार कितों लाया वहां मजमा जरा मैंने सारिया गल्ला की कीमत दे देवे, हैं खुद को छुपाने के काबिल भी नहीं, इतने सारे मर्दों में तूने मुझे जलील कर दिया, अभी भी मेरी सजा बाकी है। इमाम मुस्कुरा के फरमाते, हाँ पूरी सजा सुन के जा। हसन फरमाते, मैं हूँ हक का वली, मैं हूँ हक का वली, मैं हूँ हक का वली, मेरे एक अमर ने, मैं हूँ हक का वली, मेरे एक अमर ने तेरी फितरत को कैसे उजागर किया, तेरे घर में जो बीवी तेरी बैठी है उसको भी आज से तेरा शौहर किया। आहा आहा, अल्लाह अल्लाह हू अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। खुश हो भाई जान, मेरे वीर खुश हैं, भाजन खुश हैं, आप राजी हैं, सारे इज्जतदार चेहरे राजी हैं, चाचा राजी हैं। इतना नफीस इमाम जिसने 25 हज पैदल किए,
सवारी साथ होती थी फिर भी मेरे इमाम सवारी पे कम चढ़ते थे, और जब सफ़र के दौरान सवारी रुक जाती थी ना, रखो मेरे सर पे उड़ान, 25 सफरे हुजूज में मेरे इमाम ने कभी सवारी को ताजियाना नहीं मारा। इतना नफीस इमाम, सवारी को ताजियाना नहीं मारा। हो गई तुम्हारी आंखें तैयार तो जुमला सुन लो, इतने नफीस इमाम को जालिम ने जहर वो दी जिसे जहरे हिलाल कहा जाता है। ये इतनी जालिम जहर है, समंदर में एक कतरा डालो तो मछलियां तड़प के बाहर आ जाती। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। बस वक्त नहीं है सारा मज़मून पढ़ने का, जाकिर साहब का इंतज़ार है, बस वो जूँ ही आएंगे। आ चुके, मुझे भी जल्दी है, मुझे भी अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचना है, लेकिन तशना बयान भी तुम्हें मसाब के हवाले से छोड़ना नहीं चाह रहा। शाम वाले ने रोम के बादशाह को ख़त लिखा, चूँकि रोम उस दौर में जहर बनाने में मशहूर था। तारीखी हवाले से बात करूँगा, हर मुल्क की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है ना, तो रोम का जो मुल्क था गुजरांवाले वालों, वो जहर बनाने में मशहूर था। शाम वाले ने रोम के बादशाह को ख़त लिखा, मुझे कोई ऐसी जहर दे जो तेरे मुल्क में सबसे संगीन तरीन शुमार हो। अब ये जुमला है मातम का, अगर तू रोने के लिए बैठा है, हसन की अमारत की गुर्बत पर रोने के लिए बैठा है, मजबूर करके हसन सुन रहा है, तो फिर ये जुमला तेरे मातम के लिए काफ़ी हो जाना चाहिए। संगीन तरीन जहर भेज, उसने जवाबी खत में पूछा जिसे देनी है उसका जुर्म क्या है। हाय 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 हाय, आदम अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम, जिसे इतनी संगीन जहर देनी है उसका जुर्म क्या है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है भजन, 28 सफर साहिबाल मैंने बरामदगी करवाई है, इसी एक फिक्रे पे उन्होंने इतना मातम किया भी जनाजा मंगवाने पे मैं मजबूर हो गया, 2.5-3 मिनट में बरामदगी होगी भजन। जुमला ही इतना सख्त है, सैयदो गैर सैयदो, जब उसने पूछा ना जिसे देनी है उसका जुर्म क्या है, कमीने ने खत लिख के बताया उसका सिर्फ एक जुर्म है, वो बतूल का बेटा। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम, उसका सिर्फ एक जुर्म है कि वो बतूल का बेटा है। सारे दिन का रोजेदार इमाम शाम को उस मलूना के घर आया, अल्लाह उस मलूना पे लानत करे जिसका नाम था जोदा बिनते अशश। तुमने मुझे मसाइब पढ़ने पे मजबूर कर दिया है, ये जोदा अशश की बेटी है, और इसी मलऊन अशश का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद इब्ने अशश। ये दोनों बहन भाइयों ने आले मोहम्मद का बड़ा नुकसान किया है, इस जोदा ने हसन को जहर दिया है, और मोहम्मद इब्ने अशश वो हरामजादा है जिसने करबला में हुसैन को पहला तमाचा मारा था। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। मैं तो तारीख इकट्ठी करके तेरे सामने बयान कर रहा हूँ, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मुझे पता है तेरे मिजाज का, तुमसे बर्दाश्त नहीं होना जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सादात गैर सादात, इस मलूना औरत ने शरबत में जहर को मिलाया, पता नहीं कितने कतरे इसने मलूना ने डाले, जिस जहर का एक कतरा समंदर की मछलियों को बेचैन कर दे। खुदा जाने इस मलूना ने कितने जहर के कतरे डाले। शरबत का जाम लेके मेरे नफीस इमाम के सामने आई, आवाज़ आई, मौला पिए, आप सारा दिन का रोजेदार हैं, हसन ने कभी जाम को देखा, कभी जोदा को देखा, हसन ने कभी जाम को देखा, कभी जोदा को देखा। ठंडी सांस लेके कहा, मेरे कासिम का सिंह तो देखा होता। मरहबा मरहबा, दिल नरम हो जाए तो रोना है, तू पैदा ही गरीब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरे कासिम का
सिंह तो देखा होता और रोने वालों कमीनी औरत कहती है मौला सारा दिन का रोजादार है, तुम्हें प्यास लगी है, ये पी न शरबत। और रोने वालों आसमान को देख के कहते हैं रिजन बेकजाए ही व तस्लीमन ले अमरे, कहाँ कहाँ हल्के के मातमी बैठे हैं ये जुमला मुझे बता देगा। और सैयदो गैर सैयदो एक खोंट मेरे इमाम ने अल्लाह की रजा समझ के लिया। रोने वालों जहां जहां से जहर गुजरती गई अमीर का जिगर फटता गया। और रोने वालों जितना जाम बातम करके तैयारी करना, और रोने वालों जितना जाम बच गया हसन का हाथ कांपा जमीन में गिर पड़ा। और रोने वालों रखो मेरे सर पे कुरान, जहां जहां से शरबत जमीन से गुजरता गया जमीन टुकड़ों में बटती गई। अब मेरा सवाल है जिस जहर ने जमीन को टुकड़ों में बांट दिया अल्लाह जाने नफीस के जिगर पे क्या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शर्मा के बोल रहे जिसका नुकसान को नहीं हुआ। अल्लाह तेरा मातम विश्व सदके सदके सदके। बतूल के दो बेटे थे ना, एक अमीर एक गरीब। अमीर को हसन कहते हैं, गरीब को हुसैन कहते हैं। सैयदो गैर सैयदो एक जुमले में अमीर और गरीब का फर्क समझाऊं। जिसके पास आखिरी वक्त में 4 साल का बेटा हो उसे अमीर कहते हैं। मसायब तो मैं पढ़ गया हूँ, मसायब तो मैं पढ़ गया हूँ। रोने वाला जिसके पास आखिरी वक्त में भाईजान 4 साल का बेटा हो उसे अमीर कहते हैं, जिसके पास आखिरी वक्त में 4 साल की बेटी हो उसे गरीब कहते हैं। अभी भी नहीं समझे तो मैं जुमला बदल देता हूँ। जिसके यतीम कासिम को कभी चचा उठाए, कभी फूफियाँ उठाए, कभी मामों उठाए, तसल्लियाँ दें, प्यार करें, बोसे दें, शफकत करें उसे अमीर कहते हैं। और जिसकी 4 साल की बतूल को कभी अकबर का कातिल मारे, मरहबा मरहबा मरहबा, कभी बाप का कातिल, आ जाए आजे भाईजान आ जाए। मजलूम करबला की इज्जत वाले मद्दा आए जनाब, बिस्मिल्लाह आप ही का इंतजार है। सफर बखैरियत हो आपके। जिसके पास आखिरी वक्त में 4 साल का बेटा वो अमीर, जिसके पास आखिरी वक्त में 4 साल की बेटी वो गरीब। जिसके यतीम को फूफियाँ दिलासा दें, कभी चचा बाजुओं में भरे उसे अमीर कहते हैं। जिसकी बेटी को कभी बाप का कातिल मारे, कभी भाइयों का कातिल मारे उसे गरीब कहते हैं। पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी हुसैन के शरीर पे मांगी हुई खैरात है। रोने वालों जिसके जनाजे पे बहने बुरका पहन के आए उसे अमीर कहते हैं। मरहबा मरहबा मरहबा, जिसके जनाजे पे बहने चादरें पहन कर आए उसे अमीर कहते हैं। जिसके जनाजे पे चादर लुटवा के हाथ उल्टे बंधवा के अली की अली बेटी आए उस बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जहर मिल गई मेरे इमाम को, अब चला है नाना की कब्र पे। ज्यादा मसायब का वक्त नहीं रहा, सारा मजमून नहीं पढ़ सकता, भाई को मिंबर दो। और सैयद हो गैर सैयद हो नाना की कब्र पे आया है ना, दाया नुकसान नाना की कब्र पे रखा, आवाज दे के आहिस्ता से कहते हैं नाना तेरी उम्मत ने 72वीं मरतबा जहर दे दिया है। नाना सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कब्र की जगह मिलेगी, अभी तो थोड़ी देर बाद आऊँ तो कब्र की जगह मिलेगी। रसूल की कब्र में सरसरा आया आवाज, आई हसन तू कब्र की जगह मांग रहा है, नाना की गोद हाजिर है, बिस्मिल्लाह अगर कोई आने दे तो नाना हाजिर है। अब पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगी हुई खैरात है, मुझे हुसैन की तेरा जरबों की कसम है। और रोने वालों फिर माँ की कब्र पे आया, पहले नाना की कब्र पे था फिर दुखे पहलू वाली माँ की कब्र पे आया, लेकिन फर्क बड़ा है। नाना की कहाँ कहाँ बैठे हैं सार के पुरसादार, नाना की कब्र पे चल के आया था, माँ की कब्र पे ऐसे आया जैसे हुसैन अकबर की। करमातम 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 की तैयारी, माँ की कब्र पे ऐसे आया जैसे हुसैन अकबर की लाश पे आया था। माँ की कब्र के साथ पहलू में लेटा, एक हाथ हसन
हसन ने कब्र पे रखा, अम्मा तेरी कब्र नहीं, तेरा पहलू समझ के लेता हूँ। अम्मा नाना की उम्मत ने 72वीं मरतबा जहर दे दिया है। अम्मा नाना से सवाल किया है, अम्मा तुमसे भी यही पूछने आया हूँ, कुछ देर बाद आऊ तो कब्र की जगह मिल जाएगी। बतूर की कब्र में जलजला आया, रो के आवाज आई, माँ का कहा माने तो सीधा मेरी तरफ आ जाना। अभी बहनों को तीर खींचने नहीं आते, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अब दीवारों के सहारे लेता लेता मेरा अमीर इमाम घर के दरवाजे पे पहुंचा और रोने वाला। अब ये मंजर है जरा समझने वाला, दोनों हाथ मेरे इमाम ने दरवाजे पे रखे, जहर इतना खा चुका था, दाएं रुखसार का दरवाजे से सहारा लिया। अब मंजर जहन में आ गया ना, दोनों हाथ दरवाजे पे, ये रुखसार दरवाजे पे, दरवाजे की टेक लेके मेरा इमाम खड़ा है और रोने वाला। बाहर है ये मंजर, अंदर कोई और मंजर है, वो पता क्या है? जनाब फरवा कासिम को पहलू में लिटा के प्यार में मसरूफ थी, या अचानक मोहम्मद की बेटी के बाल खुले हुए थे, पहलू से हाथ हटा हुआ था, तड़प के कह रही थी, फरवा लाल ऐसे प्यारे होते हैं जैसे तुम्हें कासिम प्यारा मातम कर रहा, और मैंने चकिया पीस पीस के भाला है, अपना पहलू ने सुनाए बैठी है, मेरा दरवाजे पे तड़प रहा है। और रोने वाला ऐसे आई जैसे नशे में पानी आता है। और रोने वाला जुमला सुनोगे, जुमला सुनोगे, जहन में है ना, दोनों हाथ दरवाजे पे थे, रुखसार दरवाजे पे था, मर जाऊं ये जुमला ना पढ़ सकूं। ओ सैयदो खैर सैयदो, अंदर से जनाब फरवा ने दरवाजा खोला, या मेरा अमीर इमाम मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। आवाज आई किसने मारा है, आवाज आई नाना की उम्मत ने जहर। मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम, शायद तू मातम कर करके थक गया है, तू 5 मुहर्रम को थक गया है, तुम्हें पता नहीं आज 5 मुहर्रम को हुआ क्या है, तुम्हें पता नहीं आज 5 मुहर्रम को हुआ क्या है, तुमने मजबूर किया है सरकार हसन पढ़ने पे, वरना मैं 5 मुहर्रम के मसाइल तुम्हें सुनाता। ये कुरान मेरे सर पे है, आज 5 मुहर्रम का भजन दिन वो है जिस दिन अब्बास ने दरिया से बहनों के खेमों को उठाना था। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो खैर सैयदो, अब जो हसन बिस्तर पे लेटे हैं ना, उन्होंने वालों मिली है इतला बहनों को, बस खत्म हो गया मेरे हिस्से का वक्त, मैं इज्जत वाले भाई को मिंबर दूं। उन्होंने वालों बहनों को इतला मिली है ना, बुरका पहना अली की बेटियों ने, अब ऐसे आई है जैसे नशे में पानी आता है। आने से पहले हालत क्या है, हसन के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे हैं, जनाब फरवा ने तख्त पकड़ा हुआ है, और रोने वाले बहनों के कदमों की आवाज हसन ने सुनी, आवाज ही फरवा मेरा तख्त छुपा, और शाम की मलका आ गई है, तड़प के कह दिया भाभी ना छुपा, मैं हाथों में झेलने आ गई हूँ, और रोने वाले मरते हो तो मर जाओ, अब मैं छुपा नहीं सकता। शाम की मलका रिवायत करती है, मेरे घर में कोई ऐसा कपड़ा नहीं था जिस पर हसन का खून नहीं लगा हुआ था, एक चादर भर जाती थी दूसरी पकड़। अच्छा बस आखिरी जुमला, तेरी मोहब्बत का ज्यादा इम्तहान नहीं लेना, तेरी मोहब्बत का ज्यादा इम्तहान नहीं लेना, बस आखिरी जुमला, जैसे तेरी मर्जी की बात है, तेरा अपना मायार है, बिल्कुल आखिरी वक्त है सरकार हसन का, इस जुमले पे जाकिर समझो, भाई समझो, मुसाफिर समझो, बेटा समझो, कुछ समझो, इस जुमले पे वाजिब समझ के हाय करना। रोने वालों, अचानक मेरे इमाम की आंखें बंद हो गईं, अली की बेटियों की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि, मरहबा मरहबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मिल गया गुस्ल, मिल गया कफन, जनाजा तैयार हो गया। यार तुम भी तो भरे इलाके में रहते हो ना, तुम्हारे घरों से भी तो रात को जनाजे निकलते होंगे ना, सैयद समझ के पुरसा देने जा रहा हूँ। ओ सैयदो खैर सैयदो, जब शरीफ मोहल्लेदार निकलता हुआ जनाजा देखते हैं ना, तो फिर लोग पता क्या करते हैं, रात का वक्त होना
कोई अगरबत्ती ले आता है, कोई खुशबू ले आता है, कोई पानी ले आता है, कोई फूल ले आता है। रखो मेरे सर पे कुरान। बंदे पूछने शिया मातम क्यों करते हैं। हवेली जहरा से हसन का जनाजा निकला, मदीने के बेगैरत कोई तीर ले आया, कोई तलवार ले आया। वो हसन के कहते थे हम हसन को नाना के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। और रोने वालों, नाना की कब्र के पास हसन का जनाजा पहुंचा और रोने वाले एक खच्चर सवार औरत ने रुमाल का इशारा किया, 70 तीर कमानों से निकले और रोने वालों हसन के जनाजे में लगे। और रोने वाले सिर्फ हसन के जनाजे में नहीं लगे, कोई तीर हुसैन को लगा, कोई तीर गाजी को लगा, कोई तीर मोहम्मद हनफिया को लगा। और रोने वालों हुसैन जनाजे के आगे खड़े हो गए, दोनों बाजू फैला के कहते रहे, जितना मारना हुआ करबला में मुझे मार लेना, मेरे अमीर को कुछ ना कहो और मैं जनाजा वापस ले जाता हूँ। और रोने वाला तीरों वाला जनाजा मेरा इमाम माँ की हवेली में वापस लाया। 70 तीर थे, 35 शाम की मलका ने निकाले, 35 करबला के गरीब ने निकाले। दोबारा कफन पहनाया गया, जनाजा फिर तैयार हुआ और रोने वाला अब शाम की मलका ने हुसैन को गरीब बुलाया। जुमला आखिरी है, मातम मुकद्दर में है तो कर लेना। और रोने वालों भाई के गले में ज़ैनब ने बाजू डाले और रोने वाला कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा। शाम की मलका बोसे दे रही थी हुसैन को, जनाब फिजा तड़पी, आवाज एक कहती है, बीबी तीर तो हसन के जनाजे में लगे हैं, तू बोसे हुसैन को देती है। आवाज आई नाना, कहा कर देखे, ये मेरा अमीर बेटा है, ये मेरा गरीब बेटा है। मैं सोचती हूँ मेरे अमीर के जनाजे का ये हाल है, अल्लाह जाने मेरे गरीब का जनाजा, अल्लाह जाने मेरे मुसाफिर का जनाजा। आंखों से दुआ बानिया ने अशरा मुहर्रम अल हराम की मालिक तौफीक दे इजाफा फरमाए।